Exercise 11.4, question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter, length is 7 meter, length mean height of cylinder 7 meter. Find the volume of milk in cylindrical tank in liter. Volume of milk in cylinder formula I R square H 22 by 7 R square की जगह लिखेंगे 1.5 into 1.5 पॉइंट बता देंगे 15 by 10 into 15 by 10 into H H की जगह 7 आंसर 99/2 डेसिमल में चेंज कर देंगे 49.5 क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं 1000 लीटर तो 49.5 क्यूबिक मीटर में ज़्यादा लीटर होंगे ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 को 49.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 495000 पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो इधर भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल आंसर 49,500 लीटर क्वेश्चन नंबर 2 साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल एक क्यूब था जिसकी साइड एल मान लेते हैं उसकी साइड पर डबल किया गया और एक नया क्यूब बनाया गया न्यू क्यूब इसकी साइड है 2L तो हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू विल बी तो ये जो न्यू क्यूब बना है इसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का फार्मूला 6 × साइड स्क्वायर 6 × साइड ऑफ न्यू क्यूब 2L ब्रैकेट लगाएंगे होल स्क्वायर 6 × ये जो पावर 2 है दोनों को लगा देंगे 4L² 4 को पहले लिखेंगे 6 को बाद में लिखेंगे 6L² ऐसा क्यों किया क्योंकि जो 6L² होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब 4 × सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब नंबर 2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब तो ये फार्मूला साइड क्यूब न्यू क्यूब की साइड है 2L 2L और क्यूब 2L और क्यूब पावर 3 को दोनों पर लगा देंगे 8 × L³ तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब 8 टाइम्स होगा L क्यूब व्हाट इज L क्यूब ये जो ओरिजिनल क्यूब है इसकी साइड L है और L क्यूब किसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब का तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब 8 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्वेश्चन नंबर 8 रेट ऑफ पोरिंग वाटर इन ए रिजर्वायर रिजर्वायर का मतलब कोई टैंक है जिसमें वाटर को डाला जा रहा है और रिजर्वायर वो कैसा है वो क्यूबॉइड की शेप का है और रेट ऑफ पोरिंग वाटर पोर का मतलब डालना वाटर को जब हम उसमें भरते हैं पोर का मतलब भरना भी होता है रिजर्वायर में तो उसकी रेट है 60 लीटर पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर वाटर भरा जाता है और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर यानी कि रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो है 108 क्यूबिक मीटर तो क्वेश्चन ये है कि जो 100 क्यूबिक मीटर जो कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है इसके अंदर 108 क्यूबिक मीटर वाटर आ सकता है ये वाटर रिजर्वायर में हाउ मैनी आवर्स कितने आवर्स में भरा जाएगा टाइम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है 108 क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर के लीटर बना लेंगे 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं 1000 लीटर वो तो 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 108,000 लीटर तो ये जो 1800 लीटर वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है ये वाटर कितने आवर्स में भरा जा सकता है फर्स्ट लाइन को देखेंगे 60 लीटर पर मिनट का मतलब होता है अगर वॉल्यूम 60 लीटर है लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है देन टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर इज इक्वल टू 1 मिनट तो टाइम लगता है 1 मिनट हमने अपना आंसर आवर्स में निकाला है तो मिनट के आवर बना लिए 1/60 आवर अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो इफ वॉल्यूम इज 1 लीटर तो कितना टाइम लगेगा कम लगेगा कम के लिए हम डिवाइड करते हैं तो 1/60 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाई लगा कर मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे 1/60 × 60
60 आवर कितना टाइम लगेगा अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, और अगर वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है 1,08,000 लीटर तो कितना टाइम लगेगा। अब टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/60 को 1,08,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 30 आवर, इतना टाइम लगेगा।